नमस्कार मित्रों, आज हम हस्त मुद्राओं के माध्यम से रोगों की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। हैंड मुद्रा हस्त मुद्रा द्वारा मनुष्य अनेकानेक रोगों की चिकित्सा कर निरोग रह सकता है। मानव शरीर जो है वह अनंत रहस्यों से भरा हुआ है और शरीर अपनी एक मुद्रामयी भाषा है जिससे शरीर में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारा जो शरीर है वह पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये हमारे शरीर के पंच तत्व है जिसके माध्यम से ये शरीर बना हुआ है। शरीर में जब कभी भी इन तत्वों का असंतुलन हो जाता है तो हमें रोग होता है और इन्हीं मुद्राओं के माध्यम से हम जो तत्व इनबैलेंस हुआ है, जो तत्व का संतुलन बिगड़ा है, उस तत्व को हम मुद्रा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हस्त मुद्रा चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हाथों की उंगलियां और उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हाथ की उंगलियां में पंच तत्व प्रतिष्ठित है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली थी और इसके उपयोग में प्रतिदिन लाते रहे हैं। तो ये जो शरीर है हमारा चैतन्य की अभिव्यक्ति देने वाला है। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता है जिसमें अनंत क्षमताएं है और ये क्षमताएं आवृत है, उन्हें अनावृत करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। नृत्य करते समय भी विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती है जिसमें हमारे शरीर की हजारों नसों नाड़ियों को प्रभावित कर उनका प्रभाव हमारे शरीर पर अच्छा पड़ता है। जिस हाथ से मुद्राएं बनाते हैं शरीर के विपरीत भाग में उनका तुरंत असर शुरू हो जाता है। अगर आप लेफ्ट हैंड से मुद्रा बना रहे हैं तो उसका असर राइट हैंड में तुरंत शुरू हो जाएगा। तो जो शरीर की मुद्राएं है वह प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक मुद्रा करने से पूर्ण लाभ होता है और एक बार में करने से लाभ कम होगा, लेकिन लगातार आप अगर उसको करते रहे तो उसमें आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम न हो उन उंगलियों को हरदम सीधा रखना चाहिए और जो वर्णन मैं यहाँ आपको दूंगा उसका एक एक चित्र मैं आपको बताऊंगा, उस चित्रों के माध्यम से आप लोगों ने मुद्राओं को करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान मुद्रा। इसकी जो विधि है अंगूठा और तर्जनी, अंगुले के अंगुली जो है हमारी उसके सिरे पर लगाने से शेष तीन उंगलियां हमारी चित्र में बताए अनुसार सीधी रहेंगी। अब इसको हम अगर 45 मिनट करते हैं तो इसका जो लाभ है वह हमारी स्मरण शक्ति का विकास होगा, हमारी ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारा पढ़ने में मन लगेगा, मस्तिष्क के सारे स्नायु मजबूत हो गए, सिर दर्द दूर होगा, अनिद्रा का नाश होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा, क्रोध का नाश होगा और भी बहुत सारे लाभ ज्ञान मुद्रा के माध्यम से आप पा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि ज्ञान मुद्रा के ही माध्यम ज्ञान मुद्रा में ही ध्यान लगाने के लिए बैठते थे। सावधानी क्या लेनी है इसमें, खान पीन हमारा स्वस्थ सात्विक रहना चाहिए। तंबाकू सुपारी दारू ड्रिंक ये जो है मांस मच्छी मतलब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अति उष्ण और अति शीत दोनों पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है हमारा हम देखेंगे कि दूसरी जो मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कैसी बनानी है, तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबा देना है, शेष उंगलियों को सीधा रखना है जैसा कि चित्र में बताया गया है। इसके लाभ क्या होंगे, लाभ होंगे इससे वायु शांत होगी, मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा, आपको आपके पेट के सारी समस्याएं इससे दूर होगी। अगर पेट अच्छा रहेगा तो आपको साइटिका लकवा गठिया संधिवात घुटने का दर्द गर्दन का दर्द रीढ़ की हड्डी जैसे रोगों में इसका बहुत लाभ होता है। इस मुद्रा के अगर किसी को इस मुद्रा से लाभ ना हो रहा हो तो प्राण मुद्रा के अनुसार भी प्राण मुद्रा का भी उपयोग करना चाहिए। और इसका एक खास बात ध्यान आपने रखना है सावधानी कि लाभ हो जाने के बाद उसको बंद कर देना है, लाभ होने के बाद करते नहीं रहना चाहिए। प्राण मुद्रा के लिए हम अलग से इसी में मैं आपको बता दूंगा प्राण मुद्रा कैसे करनी है। अभी हम पंच तत्वों की मुद्रा देख रहे हैं। तो तीसरी जो है वो है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में हम मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएंगे और शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे। इसमें लाभ क्या होगा, तो कानों के सभी प्रकार के रोग, बहरापन, कानों में आवाज आना, टीनिटस, हड्डियों की जितनी बीमारियां है वो सारी बीमारियों में लाभकारी होगा। हृदय रोग में काफी लाभकारी होता है। इसमें सावधानी क्या रखनी है कि जैसे हम सुनते हैं कि मुद्रा तो चलते फिरते कैसी भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाश मुद्रा जो है वह चलते फिरते यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। चलते फिरते इस मुद्रा को करने से नुकसान हो सकता है। भोजन करते समय भी नहीं करनी चाहिए और यह मुद्रा भी लाभ हुए तब तक ही करनी चाहिए, लाभ हो जाने के बाद बंद कर देनी चाहिए। शून्य मुद्रा
नेक्स्ट जो है हमारी चौथी मुद्रा, मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाएं और अंगूठे से दबाएं। इसके भी लाभ जो होंगे वह होंगे कान के सभी प्रकार के रोग दूर होंगे, मसूड़ों की पकड़ मजबूत होगी, गले के सभी प्रकार के रोग। थायराइड में खास तौर से शून्य मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। शून्य मुद्रा करने से आपको थायराइड में काफी लाभ होगा। पांचवी मुद्रा पृथ्वी मुद्रा जो है, अनामिका उंगली को अंगूठे से लगाकर रखना है तो हमारी पृथ्वी मुद्रा बनेगी। शरीर में स्फूर्ति, क्रांति, तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा हो जाता है, मतलब यह मुद्रा मोटापे को कम करती है, दुर्बल मोटापे को बढ़ाती है। दुर्बल व्यक्ति को मतलब व्यक्ति खान पीन उसका बढ़ेगा, उसका मोटापा बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, जीवन शक्ति का विकास होगा। यह मुद्रा खास तौर से पाचन क्रिया में बहुत उपयोगी होती है। सात्विक गुणों का आप में विकास होगा, दिमाग को शांति मिलेगी तथा विटामिन की सारी कमी इससे आपकी दूर होगी। छठवें नंबर की जो मुद्रा है वह है सूर्य मुद्रा। अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल भाग पर लगाकर अंगूठे से दबाना है। शरीर संतुलित होगा इस मुद्रा करने से। सूर्य मुद्रा करने से वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि होती है, तनाव में कमी आती है, शक्ति का विकास होता है, खून तथा कोलेस्ट्रॉल, खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह कम होता है। यह मुद्रा मधुमेह, जिनको डायबिटीज है, जिनको लीवर के प्रॉब्लम है, जिनको लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वह सभी लोग इसको कर सकते हैं। सावधानी ये है इसमें कि जो दुर्बल व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, वह व्यक्ति इसे ज्यादा देर तक न करे जिससे उनको नुकसान हो सकता है। वरुण मुद्रा कनिष्ठिका उंगली को अंगूठे से लगाकर मिलाए। कनिष्ठा उंगली हमारी छोटी उंगली जो है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, मैं साथ साथ में सभी के मुद्राओं के चित्र भी डाल रहा हूं आपको। यह मुद्रा रूखापन नष्ट करके हमारे शरीर के चिकनाई को बढ़ाती है। हमारे सारे चर्म रोगों में यह काफी लाभकारी मुद्रा मानी जाती है। शरीर हमारा जो है मुलायम बनता है, क्रांति आती है उसमें। जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियां दूर होती है। मुहासों में यह विशेषकर लाभकारी होता है। त्वचा के विकार सोरायसिस हो गया है हमारा, और जितने प्रकार के चर्म रोग होते हैं उनमें सभी में यह मुद्रा लाभकारी होती है। कफ प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जिनको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, वह लोग यह मुद्रा न करें। अपान मुद्रा मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करना है। इससे अपान मुद्रा जो है शरीर और नाड़ी को शुद्ध करने का काम अपान मुद्रा करती है। कब्ज इससे दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन आपका दूर होगा, मल के जितने दोष है सब दूर होगा, मल दोष दूर होगा तो आपको पाइल्स, बवासीर, इन रोगों से छुटकारा मिलेगा। वायु के सारे विकार इससे लाभ मिलेगा अपान मुद्रा से। मधुमेह, मूत्रावरोध मतलब पेशाब में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी से संबंधित सभी रोग, दांतों के दोष रोग और पेट के रोग, हृदय के रोग में भी इसका फायदा होता है, तो यह मुद्रा करनी चाहिए। सावधानी इसमें यह है कि यह मुद्रा पसीना लाती है और यह मुद्रा करने से आपको पेशाब ज्यादा समय जाना पड़ेगा, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपान वायु मुद्रा या हृदय रोग मुद्रा भी इसे कहा जाता है। तर्जनी उंगली जो है हमारी, वह अंगूठे के मूल भाग में लगाना है और मध्यमा और अनामिका उंगली को कनुष्ठी के हमारे मध्यमा और अनामिका उंगली को अंगूठे के अग्रभाग में लगाना है। तो जिनका दिल कमजोर होता है उन्हें यह मुद्रा प्रतिदिन करनी चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा करने से लाभ होता है उसमें, और दमे की जिनको शिकायत होती है उसमें भी इनको लाभ होता है। जिन लोगों को सीढ़ियां चढ़ने पर 5-7-10 मिनट तक मतलब दमे की शिकायत रहती है, वह मुद्रा इन्होंने करनी चाहिए। अपान वायु मुद्रा या हृदय रोग मुद्रा, हृदय मुद्रा, हृदय रोग में यह मुद्रा काफी लाभकारी होती है। और मुद्रा का उपयोग आप जब कभी भी किसी को हार्ट अटैक ऐसा फील हो रहा है तो वह यह मुद्रा कर सकते हैं। दसवीं मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में कनिष्ठा उंगली हमारी तथा अनामिका उंगली के अग्रभाग में अंगूठे को स्पर्श कराना है। यह मुद्रा शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करती है, आंखों की ज्योति बढ़ाती है, शरीर में क्रांति लाती है, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है, विटामिन के सारे कमियों को दूर करती है और शरीर में नव शक्ति का संचार करती है तथा थकान को दूर करती है। भूख प्यास में यह मुद्रा काफी लाभकारी होती है। अनिद्रा में भी इस मुद्रा का लाभ होता है। आखिरी जो मुद्रा है हमारी वह है लिंग मुद्रा।
चित्र के दिए अनुसार मुट्ठी को बांधे तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा कर रखे, अन्य उंगलियों को सीधा रखे। शरीर में यह मुद्रा गर्मी बढ़ाने का काम करती है, मतलब ठंड से होने वाले जितने भी रोग है, सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर में यह काफी लाभकारी होती है। कफ को सुखाती है। इस मुद्रा की सावधानी यह है कि यह मुद्रा करने पर जल, फल, रसों का घी, रस या घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करें। तो आशा करता हूँ मित्रों, यह मुद्रा का आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आप अपने दोस्त मित्रों को इन मुद्राओं को लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।